राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइन स्थित एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मंच से राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के एकजुट होकर प्रयास करने का दावा किया। साथ ही मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। दो दिन के बाद पूरे देश में, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अभियान चालू हो रहा है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमने अंडरटेक किया है और ये 10 लाख बूथों तक, 2.5 लाख पंचायतों तक, गांव-गांव, घर-घर हम लोग संदेश लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी का। और केंद्र सरकार ने जो 8 साल में वादा खिलाफी की है वो पूरा एक श्वेत पत्र लेके, चार्जशीट लेके हम गांव घर तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो 4 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में कतई फेल हो गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। 25 सांसद उनके हैं और राजस्थान को अब तक क्या मिला? हमारा खाद यूरिया का जो कोटा है राजस्थान का वो भी पूरा नहीं मिलता। तो केंद्र सरकार पूरा पक्षपात करती है। ERCP की घोषणा प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं, अब फिर आ रहे हैं बता राजस्थान में। इस बात उनको पैसा देना चाहिए कि हम लोग जो कोशिश करना चाहते हैं।